जगह पर उपस्थित हम लोगों के साथ इस जिला के सभी जुडिशियरी से आए हुए हमारे जज साहब, हमारे एएसपी साहब, बीडीओ साहब और यहाँ पे उपस्थित आप हमारे कौवा कोल के सभी महान जनता, सबको नमस्कार। और सभी गेस्ट का आप सब लोगों की तरफ से हम अभिनंदन करते हैं कौवा कोल की धरती पे। भाषण तो नहीं देंगे, छोटा सा एक कुछ, चूंकि आज जिस चीज के लिए आए हैं हमारे सभी जुडिशियरी से हमारे जज साहब, उनके सामने हम आप लोगों की समस्या रखना चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे मूल रूप जो समस्याएं हैं हमारे लोगों की, सर उस पे रोशनी डाला जाएगा। आप जब आपको मौका मिलेगा या डीडीसी साहब हैं यहाँ पे, उनको किस तरह से उसका समाधान किया जाए, बीडीओ साहब हैं, सबसे पहले जो है एक कार्रवाई की जब बात आती है, हमारे लोग थाना से या किसी भी तरीके से न्याय मांगने के लिए जब जाते हैं तो कुछ गरीब लोगों को इसमें असुविधाएं होती हैं, या तो उनको एफआईआर लेने में या उनको निष्पक्ष जांच कराने में, उसमें हमारे गरीब लोग, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं और सरकार से शिकायत रह जाती है, हम लोगों से भी शिकायत रह जाती है। तो हम आप चाहेंगे सर कि इस पे आप जरूर रोशनी डालेंगे जब आपका समय आएगा, कि हमारे लोगों को किस तरह से न्याय आप लोग जैसे दे रहे हैं सर, निष्पक्ष न्याय कैसे मिल सके। दूसरा, पहले तो हम भी नहीं थे सत्ता में, हमको नहीं पता, अभी वीडियो साहब आए हैं, एक्टिव हैं, बहुत लोगों का लोग बताते हैं कि अच्छे से कर भी रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास में सर कहीं ना कहीं हमारे लोग को समस्या आ रही है। इंदिरा आवास में हमारे लोग अपना नाम आने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, सिर्फ जानकारी के अभाव में पैरवी के लिए किसी न किसी के पास चले जाते हैं और उनको ठगी का सामना करना पड़ता है, उनको पैसा कहीं ना कहीं देना पड़ता है। जो गरीब व्यक्ति इंदिरा आवास ले रहा है, स्वाभाविक है कि वो बहुत गरीब होगा और वो कहीं से पैसा ला करके किसी को दे और उसके बाद उसका काम नहीं हो, ये आपके लेवल पे नहीं है सर, वो बिचौलियों का काम है, लेकिन आपसे उसको कैसे ये सुविधा मिले कि वो इन सब चीज से बच सके, इस पे भी थोड़ा आप जरूर प्रकाश डालिएगा। छोटा है चीज है, जैसे आवासीय बनाना हो किसी को अपना, अभी जो आपने कहा आवासीय के साथ साथ जातीय सर्टिफिकेट हो, ये सब बनाने के लिए जब लोग आते हैं तो उनको भी कई तरीका समस्याओं का समाधान मतलब सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे लोगों को निजात मिले, इसके लिए भी कुछ उसमें उनको जरूर इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा। जैसे आपने बताया अभी कि ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा आती हैं आपके पास, लेकिन लोग कैसे बिना बिचौलिया के आपसे ले सके, इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा ताकि हमारे लोगों को बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कठिनाई के आपके पास आकर के वो सारी सुविधाएं ले सके। अभी फसल का भी है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे कौवा कोल ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में, कौवा कोल में तो हुआ ही है। अब इसकी क्षतिपूर्ति सरकार किस योजना के तहत कर रही है और कैसे सरकार की क्षतिपूर्ति जो योजनाएं हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए वो उनको कैसे मिले, इस पे भी सर थोड़ा आप प्रकाश जरूर डालेंगे। और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे किन्हीं को जमीन का विवाद होता है और जमीन का विवाद, एक गरीब आदमी आता है तो थाना जानता है तो थाना बोलते हैं सीओ के पास जाइए, सीओ मैडम के पास, अभी तो चूंकि महिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीओ मैडम के पास आते हैं, सीओ मैडम उनका आवेदन लेती हैं, आगे कार्रवाई करना शुरू करती हैं, लेकिन थोड़ा वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। उस प्रोसेस में लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा जमीन है और हम इनसे कब्जा से छुड़ाने के लिए क्या करें, कहां जाएं, किनके पास जाएं, किस प्रोसेस से हम आगे बढ़ें, ये भी सर जरूर से डालिएगा, क्योंकि लोगों को न्याय इसमें नहीं मिल पाता और ज्यादातर झगड़े का जो जड़ है वो नाली है, किसी का गली है, किसी का जमीन पे कब्जा है, यही ज्यादातर लड़ाई का झगड़ा है। पुलिस रजिस्टर में उतना केसी रजिस्टर नहीं होगा अगर ये सारा चीज का समाधान हम लोगों को आसानी से मिल जाए तो। ये हमारे गरीब जनता की तरफ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सर, इसका जरूर से इस पर निकालिएगा कि उन लोग कहाँ जाए। सीओ साहब के, सीओ मैडम का भी एक लिमिटेड क्षेत्र है, मतलब लिमिटेड उनका भी एक पावर है, वो कहां तक साथ दे सकेंगी उनको हमारे लोगों को, इसके आगे अगर उनसे नहीं हो पा रहा है या वो कोशिश भी कर रही हैं तो लोग उसके आगे कहां जाएं अपने न्याय के लिए, कैसे आप लोगों को पास अप्रोच करें। जैसे सर ने बताया हमारे एडी जी साहब ने कि फ्री में इनका वकील का भी व्यवस्था है जो गरीब लोग हैं, और न्याय आपके घर तक, आपके चौपाल तक चल करके आया है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले पूरी जुडिशियरी टीम को आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये सर आगे कंटिन्यूड रहे। और कैसे हम ले सके आपसे ये फायदा, एक गरीब आदमी कैसे आपसे ले सके इस चीज का फायदा, इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा।
हम तो सर कार्यक्रम में कुछ है इसलिए आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे और आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।